कुशवाहागंज के सितारगंज से जहां निजी आईटीआई में बच्चों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसे लेकर आज बच्चों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। इस दौरान बच्चों और इंस्ट्रक्टरों के बीच जमकर कहासुनी हुई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के बीच सुलह कराई गई। मेरा नाम मिथुन राय है, मैं शक्तिभाम का निवासी हूँ और मैं नवभारत आईटीआई से एडमिशन लेके इलेक्ट्रिशियन का छात्र हूँ। सर हमें स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया गया था हमारा, और उस टाइम बोला गया था, हमने 15,000 रुपये जमा किया था और उन्होंने बोला था कि आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तब भी हम आपको एग्ज़ाम कराएंगे, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। और अब जब मेरा थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर कल प्रैक्टिकल है, आज हम एडमिट कार्ड लेने आए हैं तो कह रहे हैं कि आपको 15,000 रुपये और जमा करने होंगे, उसके बाद हम आपको एडमिट कार्ड देंगे, वरना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। से पैसे भी लिए जा रहे हैं, हेल्प के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, सेंटर के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं। अभी सर 200 रुपये सेंटर के लिए जा रहे थे और 300 रुपये पर पेपर के हेल्प के लिए लिए जा रहे थे। हाँ सर, जब भी मैंने आप लोगों को कॉल किया, फिर इंस्पेक्टर साहब का कॉल आया था मेरे पास, तब से ये हर लड़के को बुला के पैसे वापस कर रहे हैं। ऐसे सर चार लड़के ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे हैं और बाकी सारे लड़के हैं जो फीस बेस पे, उनसे हेल्प का और सेंटर का पैसा लिया जा रहा था। मेरठ में कांवड़ सुरक्षा को लेकर एडीजी और अन्य अधिकारियों ने शहर भर में सभी जगहों का भ्रमण किया और जगह जगह चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से फोर्स को भी तैनात किया गया। कांवड़ यात्रा के संबंध में शासन के निर्देशानुसार व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अलावा सुरक्षा के भी चौकस इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके तहत सभी जगह सीसीटीवी का कैमरे लगाए गए हैं, वॉच टावर्स लगाए गए हैं और लगातार अधिकारी भ्रमणशील हैं। अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और मुजफ्फरनगर हरिद्वार बॉर्डर पे तक काफ़ी रश है और धीरे धीरे ये रश। पीलीभीत में रोड पर सरेआम स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे मजनू को पकड़कर भीड़ ने जमकर पीट डाला। बताया जा रहा है कि मजनू पिछले कई दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था, जिसके बाद मजनू का छेड़छाड़ करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर डाली। किसानों की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सैकड़ों किसानों के साथ ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंच जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से किसानों की कई समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। रोल किस संबंध में आप ज्ञापन लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ग्वालियर ग्रामीण किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की दूर आवश्यकता है, उन संबंध में बिंदुओं को इस पर दिया गया ज्ञापन में। जो हरसी हाई लेवल के नाल से जो पानी किसानों को मिलना था वो अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जिसके कारण उनकी नर्सरी की जो पौध खड़ी हुई थी वो सूख रही है और खेतों में सूखे की स्थिति बन चुकी है। दो तहसील डबरा और धरवा तहसील के किसानों को अगर पानी नहीं मिला तो वहाँ सूखे की स्थिति निर्मित हो जाएगी और उनके भूखे मरने और सूखे के कारण उनकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय से पूर्व बोनी का समय चल रहा है, उस नहर को खोला जाए जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। और कितनी मांग है? और उसके बाद 10 मांगे और हमारी है, उसमें महामहिम जो मोदी जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि की जो योजना शुरू की गई है उसका सर्वे का कार्य चल रहा है, लेकिन सर्वे कार्य में देखने को जो आ रहा है कि कुछ शासकीय कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन किसानों का सही पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं उनका पंजीयन पंचायत भवन पर चस्पा किया जाए, जिससे जिन किसानों का पंजीयन छूट जाएगा तो उनको कम से कम उनकी जानकारी में आ जाएगा कि हमारा पंजीयन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए वो प्रयास करेंगे या जो भी कुछ कमी होगी पेपरों में उसकी पूर्ति करेंगे, तो सभी के संज्ञान में वो मामला आ जाएगा। और बाकी जो अन्य जो मामले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो रोड स्वीकृति हमारी, उन रोडों का कार्य वाजपेयी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो हम शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जो रोड हमारी शासन में स्वीकृति उनकी सारी प्रक्रिया टेंडर की प्रक्रिया पूरी सारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला शाहजहांपुर के जनपद खुदागंज का है, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया।
जी सर, एक प्रकरण है कोतागंज का जिसमें एक लड़की के साथ जो है रेप हुआ, उसका अपहरण करने के बाद में रेप हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण बता सकते हैं? देखिए, इस संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो आगे की विधिक कार्रवाई होगी वो लड़की के बयान के बाद की जाएगी, वही इसका विधिक प्रोसेस है, तो उसके बाद ही पुष्टि करना पड़ेगा। सुधराया जा रहा है कि लड़की 14 वर्षीय है, नाबालिग है, उसको पहले अपहरण किया गया, उसके बाद में उसको बंधक बनाकर रेप किया गया है। हाँ, इसीलिए उन्हीं धाराओं में, सुसंगत धाराओं में जो नाबालिग बच्चों के लिए उपयुक्त होती है उन्हीं धाराओं में। थाना कोतागंज के जो SSO हैं उन्होंने धारा 363/66 में तरमीम करके मुकदमा दर्ज किया है, उस पर क्या धाराएं बढ़ सकती हैं अभी? देखिए, वो एज जो लड़की की है उसका एक विधिक प्रोसेस है डिटरमिन करने का, और जो भी लड़की की एज होगी उसी के अकॉर्डिंग धारा में मुकदमा आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ आरोपी क्या गिरफ्तार हुए अभी तक? अभी गिरफ्तार करने के लिए दबिश लगातार दी जा रही है, जल्दी घर वाले राजी से मोहल्ला वाले ने पकड़वाई के ले जाए के मेरी लड़की संग गलत काम करा। किन लोगों ने गलत काम किया है? मुसलमानों ने। सोहेल खान है। बात यूपी के बुलंदशहर की, जहां SDM सदर ने नुमाइश ग्राउंड में बालू से लदी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। सरकारी मशीनरी को देख खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बालू के सभी सरकारी पॉइंट बंद होने के बाद भी बालू की सप्लाई जारी थी। सर, ये जो आज छापेमारी की गई है नुमाइश में जो अवैध खनन हो रहा है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई हो रही है? ये काफ़ी दिनों से शिकायत हो रही थी कि यहाँ नुमाइश ग्राउंड में अवैध रूप से बालू ला करके बेचा जाता है, उनके पास कोई लीगल कागज नहीं होते, न रवाना होता है। आज एकाएक हम लोगों ने छापा मारा तो इसमें 8 ट्रालियाँ मिली हैं, जिनके पास एक कोई रहमत अली है उनका एक रवाना मिला है, लेकिन वो रवाना 21 तारीख का है, 21 तारीख तक ही वो वैध था। और एक ट्रैक्टर सभी सीज किए जाएंगे तथा इसको जिलाधिकारी महोदय को खनन अधिकारी के माध्यम से इस पर पेनाल्टी इम्पोज किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, सरकारी ज़मीन है, खनन काफ़ी समय से चल रहा है खुलेआम, तो क्या मानते कोई मिली भगत किसी की रही है इसमें? नहीं, ये तो जांच का विषय है, मिली भगत नहीं कर सकते, कह सकते इसको। यदि जहाँ से रवाना है, जहाँ जितने जो के लिए जाता है उसी दिन के लिए मान्य होता, दूसरे दिन वो रवाना बेच नहीं सकता उस रवाना पर, ये इलीगल है। स्टॉक भी कर रहे हैं सर यहाँ पर ही? नहीं, स्टॉक तो नुमाइश ग्राउंड में कहीं दिख नहीं रहा है, अगर है तो उसको भी जब्त किया जाएगा बालू। ठीक है, फिलहाल कोई यहाँ पकड़ा गया? नहीं, ये ट्रैक्टर मिले, एक पकड़ा गया था वो भाग गया, रहमत अली पकड़ा गया था वो भाग गया। यूपी के जनपद बुलंदशहर के लखावटी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रेम किशोर शर्मा पर छात्रा को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। फिलहाल छात्रा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती है। मेरठ पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के 5 सदस्यों को दबोच लिया। IB खुफिया विभाग समेत कई इंटेलिजेंस यूनिट ने 5 सदस्यों से पूछताछ की, वही पूछताछ के बाद 5 को मुचकले पर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट के 5 सदस्य मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। फिलहाल दिल्ली से आए पॉपुलर फ्रंट के इन सदस्यों पर पुलिस की जांच जारी है। कुछ तथ्यों की जानकारी के लिए 5 लोगों से पूछताछ किया गया था, पूछताछ करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। 5 लोग थे सर, 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे पहले पोस्टर लगाने के लिए, 5 इसके थे। कुछ जांच के दौरान अभी नाम खोलना उचित नहीं है, फिर इस पे काम करेंगे। उन्होंने कहा जैसा कि इसमें पूछताछ में कुछ चीज़ें जो भी हैं अभी उनकी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, जब पूरी जांच हो जाएगी फिर तथ्य रखेंगे। सर, 2 लोग पहले गिरफ्तार भी तो हुए थे इसमें जो पोस्टर लगा रहे थे। हाँ, वो तो आपको मालूम है, लेकिन कल वाले में जैसा मैंने बताया आपको कि जांच इनसे पूछताछ कुछ की गई है, जो भी फैक्ट आएंगे आपके सामने रखा जाएगा। यूपी के बिजनौर में फिजा बिगड़ने की नीयत से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मस्जिदों और मुस्लिमों घरों के इर्द गिर्द दीवारों पर तमाम पोस्टर चस्पा कर उसमें बेखौफ जियो बा इज्जत जैसे स्लोगन लिखे हैं, जिसे लेकर मुस्लिम समाज का तबका इसे साजिश मान रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। राजीव जी, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला?
ये हमारे घर के करीब भी लगा हुआ है एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पोस्टर, ये जिसने भी लगाए हैं अगर उनका मकसद हिंदुस्तानी समाज में हमनो मान पैदा करना, मेल मोहब्बत पैदा करना इसका मकसद है और आपसी समझदारी पैदा करना मकसद है तो ये सही है, और अगर इसके बरखिलाफ़ उनका मकसद है कोई तोड़ फोड़ करने का तो वो जायज़ नहीं, उनका मैं उनको मैं कंडम करता हूँ। चांदपुर का एक पतियापाड़ा इलाका है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भड़काऊ पोस्टर लगे हुए हैं, बेखौफ जियो और इज्जत से जियो, क्या है ये पूरा मामला? ये एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोस्टर चिपकाए गए हैं कुछ मस्जिद के बाहर, ये इस संबंध में संज्ञान लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कराया गया है अज्ञात बनाम अज्ञात, और इसमें जाँच की जा रही है कि किन लोगों ने किन परिस्थितियों में इसको चिपकाया है। क्या माहौल ख़राब करने की साजिश हो सकती है? हम ऐसा पोस्टर से प्रथम दृश्य प्रतीत होता है कि कुछ माहौल बिगाड़ने का प्रयास है, पूरी जांच के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से कह पाना उचित होगा कि क्या मामला है। रामपुर के कस्बा सैफनी में सालों पहले बनाई पानी की टंकी आज भी शोपीस बनी खड़ी है। इस पानी की टंकी का बनने से लेकर आज तक कोई प्रयोग नहीं है, इसके नीचे और आसपास तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बोल लेना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वसीम अहमद अंसारी, समाज सेवी सेफनी। अच्छा, ये जो टंकी है आपके यहाँ इसे लगभग कितना टाइम हो गया? इसे लगभग समथिंग 7 या 6 वर्ष हो गए। अच्छा, ये तो फिर इसका क्या मामला? इसका मामला ये है कि आज भी ये ऐसी ही सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी है जी। कभी चालू होती थी पहले, पिछली बार कई बार चालू की गई है मगर जगह जगह पाइपलाइन फट जाती थी, उसके बाद ऐसे ही सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी है जिससे कि आम जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जल निगम इसके तरफ से बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं। अच्छा, जो ये टंकी के पास में जो गंदगी है, टंकी के पास में इतनी बेहद गंदगी है जिससे कि वहाँ पर आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और टंकी के जस्ट बराबर में एक उपकेंद्र है अस्पताल सरकारी जिससे कि वहाँ पर मरीज जो आते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इसकी आपने कहीं शिकायत करी थी क्या? ये कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं सेफने के ग्रामीण मगर कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये जब से टंकी नहीं चली है क्या? टंकी एक दो बार चली है, बाकी जो पाइपलाइन फट जाती थी तो उसे बंद कर दिया गया, बाकी ऐसा लगता है कि इस कागजों में चल रही है और ऐसे आम आदमी को जो जिसे ज़रूरत है उसे पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसे कोई चेक करने आया था या ऐसे ही बंद है? ये जब से चली चालू एक बार एक दो बार चालू की गई है उसके बाद जो है आज भी ताला लगा हुआ है, ताला लगा कर छोड़ दिया गया है। अच्छा।